बेटा एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप लोग। रितु तुम बैठो। देखिए चैप्टर का जो नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, मतलब वो रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। कोई भी एक मतलब एक पॉइंट बताएंगे आप वन बाय वन मुझे। बोलिए खड़े होके बोलना है। मैम टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल और मैम जनरेशन का आगे बढ़ना और वेरिएशंस के लिए नहीं वेरिएशंस के लिए तो क्या रिप्रोडक्शन का टाइप जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन आती ही नहीं है। वो तो हम उसमें टाइप में बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है व्हाई इट इज़ नेसेसरी, हाउ डू जो वो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत क्या है नए इंडिविजुअल्स को बनाने के लिए, नई स्पीशीज़ को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्शन की। या फिर हम सीधे शब्दों में सोचेंगे, मान लीजिए रिप्रोडक्शन ना हो, मतलब किसी भी चीज़ को हम हैपनिंग को बताने के लिए यही सोचेंगे ना कि ना हो तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, अभी जो जनरेशन चल रही है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। एक टाइम पर ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, एक टाइम पर एनिमल पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। बात समझ में आ गई। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक सिस्टम को चलाने के लिए जितने भी स्पीशीज़ हैं, कैसी स्पीशीज़ की बात करें हम, लिविंग की, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सी स्पीशीज़ में होगा, लिविंग स्पीशीज़ में होगा। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो प्लांट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा अब बताइए कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है, बताइए होता क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हमें समझ में आ गई है। तो रिप्रोडक्शन में के प्रोसेस में होता क्या है, या फिर जो नई इंडिविजुअल्स बनती हैं उनमें, मतलब आपने कई बार देखा है कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि डीएनए टेस्ट होता है, तो डीएनए टेस्ट में क्या होते हैं बेटा, ऑर्डर्स होते हैं बेसिस के। बात समझ में आ रही। हर आदमी का क्या होता है, डीएनए अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि अच्छा डीएनए का, डीएनए की फुल फॉर्म पता है किसी को क्या होती है? अच्छा ये अपने